आर्य, कहीं हमने धनानंद की उस भेंट को स्वीकार करके कोई भूल तो नहीं की ना? आप एक क्षत्राणी हैं मोरा, यदि शत्रु सहस आक्रमण करे भी तो हम क्षत्रिय उनका सामना करने के लिए सज्ज रहते हैं। फिर भी आर्य, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि धनानंद एक ऐसा सर्प है जो कभी भी डस सकता है। चेतावनी का नाथ, अचानक इस समय? धनानंद, तुम तो शांति दूत बनकर आए थे। शांति दूत नहीं, चंद्रवर्धन यमदूत। उसके पश्चात वो घटनाक्रम आरंभ हुआ जिसने पीपली वन का इतिहास बदल दिया, क्षत्रियों के मान सम्मान और गौरव को आहत कर दिया, और मुझे तुमसे दूर कर दिया। सेनापति, महारानी और राजकुमार को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जाओ। नहीं आर्य, मैं आपको यहाँ इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और आप ही ने तो कहा था ना, एक क्षत्राणी अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए सदैव सज्ज रहती है, और मेरा तो कर्तव्य है कि हर क्षण आपके साथ एक चट्टान के समान खड़ी रहूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करूंगी। ये मेरा आदेश है मोरा। पिपली वन का भविष्य संभालना भी आपका ही कर्तव्य है मोरा। जाओ, चंद्र को सच कहो। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। आर्य, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। मार दो, एक एक करके सभी क्षत्रियों को मार दो, उनके मान को, उनके सम्मान को, और दिखा दो नापित नंद का शौर्य, और मुझे वो राजकुमार ला कर दो। कहाँ है वो राजकुमार? सेनापति जी, मैं नहीं आऊंगी, मैं यही रुकूंगी और लड़ूंगी। आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए, इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। माँ, नहीं जाना माँ मुझे। मत्सल देव जी, ले जाइए इसे। माँ नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ मुझे। गर्व है मुझे कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने हृदय पर पत्थर रख कर अपने पुत्र को स्वयं से अलग कर दिया, ताकि वो क्षत्राणी बनकर हाथों में तलवार उठाकर अपने राज्य
और प्रजा की रक्षा कर सके। रुक जाओ सम्राट चंद्रवर्धन, अन्यथा आपकी प्रिय पत्नी अपने प्राण खो देगी। नहीं आर्य, आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और इस क्रूर सम्राट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं। क्यों? तुमने ही सिखाया था ना मोरा, वास्तविक क्षत्रिय वो जो संवेदनशील हो, जिसमें करुणा हो,